Hello everyone, this is Dr. Kinjal Fatnani, Principal Naista Primary School, Territory Head ECA Bhavnagar and member of TAI Bhavnagar. Today I am here to talk something about written communication and to give you some tips for improving your written communication. Communication, friends, as you all know, is very important for the life of a human being. A person cannot stay without communicating with others. ये लॉकडाउन के पीरियड में हम सब ने ये महसूस किया है कि विदाउट कम्युनिकेटिंग इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सर्वाइव. सो वी हैव अंडरस्टूड वेरी वेल द पर्पस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. कई लोग होते हैं जो ओरली बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू रिटन कम्युनिकेशन, ये प्रेजेंटेशन, देयर यूज ऑफ वर्ड्स इज नॉट दैट अप्रोप्रिएट. इतनी अच्छा अपीलिंग कम्युनिकेशन वो नहीं कर पाते. So first of all, let us understand when do we do written communication. We do written communication for two reasons basically. First one is when it has been examined. It is for the purpose of examination that we are doing it. उसके लिए बहुत अच्छा example है कि जैसे students अपना paper लिखते हैं, उसके आधार पे उनको marks मिलने वाले हैं. They are being evaluated or being assessed. तो ऐसा जब evaluation हो रहा है, तब हम written communication करते हैं. And the second purpose may be of some proposal, wherein you are applying for some job with your biodata for some vacancy that is existing in some organization. It may be a business proposal that you are sending to somebody, or it can also be an application for some task to be done from government or some organization. But in all these cases, it is very important कि आप जो भी लिखते हो वो सामने वाले की साइड पे बहुत अच्छी तरह से पहुंचना चाहिए. आप जो और जैसा आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वैसा ही पहुंचना चाहिए. तो फॉर ऑल दिस पर्पजेस रिटन कम्युनिकेशन हैज टू बी वेरी परफेक्ट. अभी व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट, रिटन कम्युनिकेशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, बिकॉज इट स्टेज एट अ प्रूफ फॉर योर लाइफ टाइम. जब आपने कुछ ईमेल किया हो, कुछ व्हाट्सएप किया हो, किसी को कुछ लेटर लिखा हो, तो इट रिमेन्स एज अ डॉक्यूमेंट फॉर योर लाइफ टाइम. एंड डिटेल एट लेंथ डिस्क्रिप्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट इज इन रिटन फॉर्म. जैसे आप कोई टूर पे गए हो और आप छोटी छोटी डिटेल्स उसमें ऐड करना चाहते हो, तो इट हैज टू बी इन रिटन फॉर्म. और रिटन फॉर्म आपका जो होता है, इट इज ऑलवेज वेरी इजी टू एडिट एंड ऑल्सो वेरी इजी टू री यूज वट एवर यू हैव रिटन. अभी जो रिटन कम्युनिकेशन है उसके आधार पे आप बहुत सारी चीजें जो लिखने वाला है उसके बारे में आप जान सकते हो. तो योर रिटन कम्युनिकेशन इज योर रिफ्लेक्शन रिगार्डिंग लॉट ऑफ थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिफ्लेक्ट्स योर थॉट क्लैरिटी, कि आप जो दिमाग में सोच रहे हो वो कितना क्लियर है, आपको वो चीज के बारे में थॉट क्लैरिटी है या नहीं है. सेकेंड इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट. Now the concept that you are talking about, are you really clear about the concept or just you are going round the bush? Now this also can be very easily evaluated when you are writing the thing in total description. Your organization and presentation skills are also evaluated when you are putting down things on paper and when you are doing written communication. And one very important thing that is evaluated here is your language skills. Now the type of language you use, the type of words that you use, your vocabulary, your grammar content, everything can be evaluated. The use of ornamental words or the use of proverbs or illustrations, that also makes it very clear how much reading you are doing, how much well versed you are with the particular topic that you are talking about. So here, for improving your written communication, मैं आज आपको थोड़े से टिप्स देना चाहूंगी. फर्स्ट इज लिस्ट द पॉइंट्स दैट यू वांट टू इंक्लूड. हम बहुत बार ऐसा होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम इंक्लूड करना चाहते हैं वो भूल जाते हैं. तो वेन एवर यू वांट टू प्रेजेंट समथिंग, फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज लिस्ट डाउन द पॉइंट्स दैट यू वांट टू इंक्लूड. सेकेंड इज ऑर्डर दीज पॉइंट्स. कई बार हम ऐसा भी हो जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लास्ट में लेते हैं, और कोई ऐसा पॉइंट होता है वो हम पहले ले लेते हैं. तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पॉइंट इज लॉस्ट व्हेन इट कम्स एट एंड. सो व्हेन यू हैव द पर्टिकुलर पॉइंट व्हिच इज वेरी वैलिड, दैट यू शुड सी टू इट दैट दैट पॉइंट कम्स इन द पर्टिकुलर ऑर्डर. सो ऑर्डरिंग योर पॉइंट्स आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. आफ्टर द पॉइंट्स यू हैव सिलेक्टेड, यू शुड प्लान अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन फॉर व्हाटएवर यू वांट टू से. मतलब
इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है वो आपके रिटन कम्युनिकेशन को एक शेप देता है, एक बॉडी प्रोवाइड करता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस एंड कंक्लूड अ टॉपिक वेल. फॉर ऑल द पॉइंट्स दैट यू आर ट्राइंग टू कन्वे यू शुड हैव सम एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस ऑल्सो. ये जो एग्जाम्पल्स है वो जो राइटर है वो बहुत अच्छे से अपना बात है वो कन्वे कर सकता है, और जो रीडर है दैट ही और शी कैन रिलेट टू व्हाट द राइटर वांट्स टू से व्हेन अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस आर बीइंग गिवन. नाउ हियर वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कम्स इनटू पिक्चर इज दैट ऑफ योर हैंड राइटिंग. फ्रेंड्स, हैंड राइटिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट एट एनी एज ऑफ योर लाइफ. सो इफ यू आर वेल अवेयर दैट योर हैंड राइटिंग आर नॉट वेरी गुड, देन ट्राई वर्किंग ऑन इट एंड इम्प्रूविंग इट. Because your handwriting is a reflection of your personality, of your character. बहुत सारा organization में आपने देखा होगा कि वो लोग कोई application होती है तो they insist कि वो application आप handwritten form में ही दो. Because handwriting is what is reflecting your personality, your organization skills and your presentation skills. अगर type किया हुआ होता है तो आप कहीं net पे से भी ले सकते हो, आप किसी और से भी लिखवा सकते हो. But self-written things are very important and very important aspect for evaluating a person. So handwriting is also very important when you are communicating in written form. तो आपके best possible handwriting में आपका written communication कीजिए. Avoid any scribbling and overwriting because that is also giving a neatness, a look to whatever you are writing. अगर आपने अच्छा लिखा होगा और अच्छे से present नहीं किया होगा तो कोई फायदा नहीं है. And at the end, make use of lot of bullets and arrows to make your write-up easily readable and easily followable. So, my dear friends, you are being judged every time to write. So, think before you pen down your thoughts. Happy writing. Bye.